ऑफ अपकमिंग फिल्म लव करूं या शादी, गोविंद नामदेव जी, विजय पाटकर जी, आकाश जी एंड जयप्रकाश शाह जी. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल ट्रेलर. हमें बहुत मजा आया ट्रेलर देख के एंड वी कांट वेट फॉर द मूवी. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल. सबसे पहले सर कि जो लव करूं या शादी है वो एक यूनिक ब्लेंड है रोमांस कॉमेडी और अंधविश्वास का. आपने ये स्क्रिप्ट कैसे सोचा कि इस स्क्रिप्ट को जान देनी है? सभी को नमस्कार. लव करूं या शादी ये सबके लिए है. ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, मेल फीमेल, हूएवर इट इज. प्यार हर किसी को कहीं ना कहीं किसी के साथ होता है, स्पेशली इन कॉलेज लाइफ, यू नो. बट कितना सक्सेसफुल होता है प्यार, उसके पीछे भी एक कहानियाँ होती है. और उसी तरह से शादी, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन हमारे समाज और सोसाइटी में बनी हुई है, मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं लेकिन कुछ अनसक्सेसफुल भी होते हैं. तो कहीं ना कहीं प्यार में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स आती है. सो इसी बेस पे कि आइदर वी आर गोइंग टू मैरिड फर्स्ट आर गोइंग टू फॉल इन लव. सो देयर इज ए क्वेश्चन कि भाई प्यार किया नहीं जाता. हम बोलते ना प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है. कभी कभी किसी के साथ अट्रैक्शन होती है. तो प्यार भी अपने आप में एक खूबसूरत पल होते हैं. और शादी अल्टीमेट तो होना ही होता है, चाहे जिससे प्यार करो या अपने माँ बाप की मर्जी के हिसाब से किसी भी लड़के या लड़की से शादी करो, होता है. तो इसलिए टाइटल रखा हुआ लव करूँ या शादी, क्योंकि आजकल के यूथ स्पेशली, अगर आप 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स के लड़का लड़की हो जाते हैं, तो अगर पेरेंट्स अगर बोलते हैं कि चलो शादी कर लो, तो आई डोंट थिंक दे विल एग्री इजली, क्योंकि वो अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, लाइफ में अचीव करना चाहते हैं. यू नो, ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं किसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि शादी करके अभी क्या घर बसा लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर घर गृहस्थी मिला, कोई लाइफ को देख नहीं पाते हैं. जो पहले होता था कि 20 साल हो गया फटाफट शादी कर दो, एंड तो आज जनरेशन चेंज हो गया है. तो मोस्टली लोग प्यार में पहले पढ़ना चाहते हैं. ये फैक्ट है, ये सच्चाई है जीवन की. वो ठीक है, किसी का होता है या नहीं होता बात की बात है. उसी तरह से शादी भी जिंदगी की एक सबसे कड़वी सच्चाई है, जो अल्टीमेट उसे हमको निभाना पड़ता है, करना पड़ता है. प्रॉब्लम्स दोनों जगह है. कभी कभी प्यार में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाते हैं कि जहाँ आपको सेपरेशन होना पड़ता है, फिर लड़का लड़की टूट जाते हैं या कोई भी कारण होता है. उसी तरह शादी में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि क्यों उनके बीच में अचानक डिवोर्स आ जाती है, तलाक की बातें आ जाती है. सो इसके इर्द गिर्द ही अंडर करंट एक सटायर, सोशल सटायर मैसेज के साथ साथ रोमांटिक लव स्टोरी, म्यूजिकल लव स्टोरी विथ फैमिली फिल्म और सोशल सटायर के साथ ये हमारी फिल्म है लव करूं या शादी. तो मैं आप सबसे, जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, सो आर यू गोइंग टू गेट मैरिड फर्स्ट आर यू गोइंग टू लव व्हाट? सो ये अच्छी बात है कि जो पेरेंट्स के बातों से चलते हैं तो जाहिर सी बात है बोलेंगे जैसा मेरा पेरेंट्स चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी या करूँगा. लेकिन पेरेंट्स के मुंह पर तो हाँ बोल देंगे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनके रहती है कि काश ये लड़का या ये लड़की मुझे मिल जाए, उनके साथ रोमांस हो या उसके साथ मैं शादी करना चाहूँ. तो कुल मिला के एक अच्छी पारिवारिक इंटरटेनमेंट फिल्म है और अलोंग विद द सोशल सटायर, जिसमें हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई जैसे हैं गोविंद जी, उन्होंने बहुत अच्छे किरदार निभाए. विजय पाटकर जी ने आकर्ष इस फिल्म में डेब्यू कर रहा है. और भी करेक्टर्स हैं इस फिल्म का, अली असगर, मिलिंद गुना जी, फरीदा दादी, दे आर सो मेनी अदर्स बॉलीवुड के नामी ग्रामी कलाकार हैं. और इस फिल्म के माध्यम से दो लड़के दो लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया गया है. होपफुली आप लोग को फिल्म ज़रूर पसंद आएगी और आशा करता हूँ कि आप सबके दुआ और आशीर्वाद से फिल्म सबको पसंद आए और चले, यही कामना करता हूँ. थैंक यू सो मच.
गोविंद सर, आप इस फिल्म में एज फादर का रोल निभा रहे हैं, तो जो आपके इमोशंस हैं इस फिल्म में, एंड वी नो कि आप अपने फादर के बहुत क्लोज हैं, आपके इंस्पायर आप अपने फादर से होते हैं, सो वो जो इमोशन है फादर का, आपने इस फिल्म में कैसे, मतलब क्या निभाया है इस फिल्म में? सबसे पहले तो आपने जो एक वार्म वेलकम हमको दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं इस फिल्म को एक और एंगल से देखता हूँ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि रोमांटिक एंगल और यंगस्टर्स की समस्याएं, ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म भी है और एक रोमांटिक स्टोरी भी साथ साथ चल रही है, दोनों की अपनी समस्याएं, रोमांस की अपनी समस्याएं हैं, परिवार की अपनी समस्याएं हैं, कई बार इन समस्याओं से उलझते हुए मुद्दे खड़े हो जाते, उन मुद्दों को सुलझाने वाला, उन समस्याओं को सुलझाने वाला जो इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व फैमिली हेड का होता है, उस फैमिली हेड का किरदार मैं इसमें निभा रहा हूँ। फादर है, बहुत लविंग लविंग फादर है, लविंग हस्बैंड है, बहुत ही ठहराव वाला सिद्धांतवादी व्यक्ति भी है, लेकिन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो, उसके लिए प्राथमिकताएं हैं, परिवार उसके लिए प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, और ये संस्कार मुझे अपने अपनी फैमिली से मिले, अपने फादर से, माता पिता से मिले हैं, सो परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। उन पर उन समस्याओं को ये कैसे सुलझाता है, कैसे उन मुद्दों को टैकल करता है, ये वो कैरेक्टर है जो मैं कर रहा हूँ। इसमें छोटी मोटी समस्याओं के साथ साथ एक संजीदा मुद्दा भी खड़ा हो जाता है, नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन का जो फर्क है, जो अंतर है, जो अब बढ़ता जा रहा है, ये जो खाई जो बढ़ती जा रही है, ये बहुत संजीदा है, संजीदा भी है और ये डरावनी भी है। डरावनी इस तरह से है कि आने वाले समय में हमारे समाज का होगा क्या, पूरी दुनिया में जिसके लिए हम जाने जाते हैं, भारतीयता, परिवार, पारिवारिक संबंध, ये अगर नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि जो ये खाई बढ़ती है तो संबंध टूटते हैं, परिवार टूटता है, बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, और ये जो परिवार वाली बात है, ये बात धीरे 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 खत्म हो रही है, संकुचित होती जा रही है, वो पहचान हमारी छूट रही है हमसे। सो इस मुद्दे को भी बहुत ही अच्छे ठहराव के साथ हमने एक इसको सुलझाने की तरफ रोशनी दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म। मेरी इच्छा है कि आप सब इस फिल्म को जरूर देखने जाएं, 5 मई को यह फिल्म रिलीज हो रही है, आप इस फिल्म को देखें, अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगे तो इस फिल्म के बारे में जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने आस पड़ोस में इसकी चर्चा जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें, और जो कोशिशें हमने की हैं, एक मैसेज इस फिल्म के माध्यम से जो हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, यंगस्टर्स को भी, बुजुर्गों को भी, बड़ों को भी, वो मैसेज आप तक पहुंचे, कुछ मीनिंगफुल जो हमने कोशिश की है वो मीनिंग आप तक जाए। और ये फिल्म चले, हमारे डायरेक्टर साहब जिन्होंने बहुत मेहनत करके इसको बहुत ही मनोरंजक ढंग से, संजीदा मुद्दों को भी बहुत मनोरंजक ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश की है, इनकी मेहनत से भर हो, जो प्रोड्यूसर ने हमारा पैसा लगाया है वो पैसा वापस हो, सुकारत हो हमारी कोशिश है, हमारा पैसा, और हम आने वाले भविष्य में और इससे बेहतर फिल्में लाने का साहस कर सकें। प्लीज जाके देखें, थैंक यू वेरी मच। विजय सर, अगर मैं आपकी बात करूं तो इस फिल्म में बहुत डाइवर्स कास्ट है ना, सब बहुत बहुत बड़े एक्टर्स हैं, बट अगर हम आपके करेक्टर की बात करते हैं
तो आपने उस करेक्टर के लिए सोसाइटी की रियल ऑब्जर्वेशंस जो थी उनको कैसे मतलब दिमाग में रख के इस रोल को निभाया? नमस्कार, फिल्म के बारे में या फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, इसलिए तो मैं इतना लंबा आया हूँ। मेरी शादी होने तक मैं भी कंफ्यूज था, लव करूँ या शादी, क्योंकि कॉलेज के जमाने में एक भी लड़की पढ़ी नहीं मुझे। बहुत कोशिश की, कुछ आता ही नहीं था, जो हमारे ये कैरेक्टर को आता नहीं है, ऐसे कैरेक्टर के। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था, भाग्य पके कॉलेज से भाग्य पीछा पीछा करते गया, किम नाम की लड़की थी। हेलो किम, हाय 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 विजय, व्हाट आई लाइक यू, बोल गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, यू या सर सर, मैंने मैं भी बोला ओके नो प्रॉब्लम, चला आया। बहुत कंफ्यूज, मतलब शादी होने तक जो भी मेरी बीवी है उसको मैं पहली बार मिलने गया तो वही डरते डरते गया था, लेकिन कुछ फिल्में की थी, तजुर्बा आया था कुछ चीज़ों का, तो डरते डरते मैं बिल्कुल बुला। मेरे पास घर नहीं था, छोटा सा घर था, बोला मैं अभी तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंट कुछ भी हो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बोला देखो बैंक में नौकरी कराओ, फिल्में कराओ, घर घर नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसने मुझे तरस किया मुझ पर और हाँ बोल गया, खुश। तो ये मेरी लाइफ की स्टोरी, मेरी नहीं, ऐसे बहुत से लड़के ऐसी लाइफ की स्टोरी है, उसमें ही ऐसी हमारे डायरेक्टर साहब हमारे राइटर साहब ने यह कोशिश की है। हालांकि अलग अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, हर लड़के के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, वैसी एक सर्कमस्टांसेस हमारे हीरो की है। ये अपने बारे में बोलेगा, इनके मैं क्यों बोलूँ, मतलब ऐसा लड़का उसकी लड़की नहीं मिल रही है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन हकीकत में दो दिन से मुझे बोल रहा है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए ये कैरेक्टर मेरा वो है जो मैं लड़की या लड़की के लिए लड़का, लड़का या लड़की के लिए लड़की ढूंढ के लाता हूँ, चलता फिरता मैरिज ब्यूरो में, और लड़के के लिए लड़का या लड़की के लिए लड़की नहीं, लड़के के लिए लड़का भी लाता हूँ मैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे एडिशन दी थी, वो अरे बोलने भाई आपके लड़के को लड़की कोई पसंद ही नहीं आती, शायद आपके लड़के को तो लड़का तो नहीं चाहिए ना। आजकल तो मतलब बहुत हो रहा है, सब इस चीज से वाकिफ हुआ, लेकिन मेरे डायरेक्टर साहब ने जो मुझे छोटा रोल है लेकिन बहुत बढ़िया रोल है, जैसे हमारे बड़े भाई गोविंद जी ने बोली कि पारिवारिक फिल्म, बहुत दिनों के बाद एक पारिवारिक फिल्म आ रही है, साफ सुथरी फिल्म आ रही है। देखने जाए तो क्या शादी, लड़की लड़की शादी करनी है, उसके पीछे के जो लेयर है जो डायरेक्टर साहब ने रखे इस फिल्म में, वो बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है। मतलब आप तो बच्चे हो, अभी मैं बाप बन चुका हूँ, मेरा लड़का भी शादी का हो चुका है, मेरे पेट में भी कितलिया नहीं घोड़े दौड़ते हैं, क्या होने वाला है, किसने लड़की लाके रख दिया, पापा ये कौन, ये मेरी बीवी, ठीक है क्या करेंगे, बोलेंगे आपके हर हालत में आपके सामने कोई बाप या माँ बोल सकते है? ये है मेरी फियांसी, ठीक है भाई करो। तो ये सब हालात है जो गुरु जी ने बोला कि बहुत भयानक स्थिति हो रही है, ये हम लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे, हम बाप है, लड़के थे तब बहुत फ्लर्ट किया था, बहुत लड़कियों के पीछे भागे, बहुत कुछ
लेकिन नाकाम हुआ वो तो मैंने पहले बता दिया आपको। लेकिन अब बाप की जगह पे हम लोग गए हैं ना, तो भाई आपके बारे में बहुत सोचते हैं। पहले लड़का बड़ा हो, लड़की बड़ी हो, अब स्कूल, कॉलेज, अब शादी, एक प्रोसेस के लिए देखने जाए तो क्या है, बच्चा बढ़ रहा है, शादी हो रही है, उसके पीछे बाप और माँ का जो हालात है, जो मेहनत है, वो आप जब बन जाओगे, बड़े बन जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा यही हमारे दिल में, यही हमारे दिल में यही कोशिश है। ये जो बाप हमारे दिखाते और हिमा जी जो इसकी माँ का रोल किया है, ये जो हालात है, कॉमेडी करते करते आप जो देखोगे, जो आपको खुशी मिलेगी, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें आप एंजॉय करोगे, कोई चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, अरे ये क्या है, क्योंकि आपकी वो एज है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप हमारी फिल्म बहुत बहुत एंजॉय करोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, मोदी के बाद मेरी गारंटी 100% गारंटी। अगर आप ऐसी तालियां बजाएंगे, हमको हमारे फिल्म को सहारेंगे, तो हम भी आगे जाके अच्छी और फिल्म कर सकते हैं। शादी लव करियर, शादी टू, लव करियर शादी थ्री करेंगे। तो मैडम और ये कैरेक्टर करने के लिए बहुत कुछ करनी नहीं पड़ी, खुद बाप हूँ, खुद हालात देख चुका हूँ, और मैं शादी जोड़ने वाला हूँ, तो जो अब मैं कर रहा हूँ वही मेरे इस कैरेक्टर फिल्म में मैंने तय किया है। थैंक यू वेरी मच। आकाश जी, इस फिल्म में आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है इन ट्रेलर विद फैमिली एंड योर लव लाइफ, एंड जैसे सर ने बताया कि यू आर सिंगल, सो आपने इस मूवी की थीम से कैसे कनेक्ट किया? पहले तो सारियां सत श्री अकाल। ये फिल्म जब सर ने मुझे इसकी स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो मैंने कहा सर ऐसा ही कुछ हालात मेरे घर में भी चल रहा है, घर वाले कहते शादी करने को और मैं कन्फ्यूज रहता हूँ कि क्या करूँगा। तो लेकिन इस फिल्म से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, जैसे कि मैं पहले सोचता था कि यार मैं लव करूंगा फिर शादी करूंगा, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने हमारे से ज़्यादा लाइफ देख रखी है, और मुझे लगता है कि उनकी भी राय लेना ज़रूरी है और अपना भी देखना ज़रूरी है। हमारे मॉम डैड को भी समझना चाहिए एक बार कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो शायद हो सकता है वो भी अच्छा हो, क्योंकि हर बार तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं यार आप क्या कहते हैं, पता नहीं आपकी क्या चॉइस है, हम तो अपना देखते। तो दोनों परिवार का दिखाया कि पापा मम्मी को भी जो है और जो बेटे के ऊपर है, उस सारी चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है, और मैंने भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के साथ इसको कनेक्ट किया, बाकी सर के साथ काम करके सबके साथ सीखने को भी मिला, और दूसरा कहीं ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं अलग हट के कुछ कर रहा हूँ, मतलब एक फैमिली ही फील हुई। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग ने इस फिल्म को बनाया है और बहुत कुछ सीखने को है इस फिल्म में, एंड आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। Of course, जो आप यू आर ब्लेस्ड कि आपको इतनी अच्छी स्टार कास्ट मिली, दे ट्रीटेड यू एज फैमिली, एंड आई होप कि ये मूवी बहुत सक्सेसफुल रहे। जाते जाते सर, गोविंद सर आपसे एक सवाल, आपका एक किस्सा मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं देखा कि अगर आपको आपके टीचर NSD से आप जाने लगे थे वापस ना रोकते, तो आपको क्या लगता है आज आप कहाँ होते और कौन सी फील्ड में होते? अगर मेरे टीचर, मेरे डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी साहब अगर मुझे ना रोकते, तो क्योंकि मैं ये दृढ़ निश्चय करके निकला था अपने सागर शहर से दिल्ली के लिए कि मुझे कुछ बड़ा बनना है लाइफ में, ऐसी ज़िंदगी नहीं बितानी जैसे मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से पास हुए, उसकी वजह से उनको नौकरी मिली, नौकरी मिलते ही जब नौकरी मिल गई, तनख्वाह आने लगी, तो उनकी शादी हो गई तो एक दो साल में बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चों को पालते हुए पूरी ज़िंदगी निकल गई। ये कोई लाइफ है? बचपन से ही अनजाने में पता नहीं क्यों ऐसे के विचार मेरे दिमाग में हमेशा बजते रहते थे कि यार ये कोई लाइफ नहीं है। इतना मैच्योरिटी लेवल था मेरी सोच का, मुझे आज भी हैरानी होती है कि ऐसा मैं एक अलग दुनिया में रहता था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा बड़ा बनना है कि लोग मेरे बारे में जाने, मेरी फैमिली के बारे में जाने, मेरे शहर के बारे में जाने। गांधी जी की
आत्मकथा पढ़ता था तो उनके जैसा बनने का मन करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा पढ़ता था तो उनके जैसा बनने का दिल करता था। रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब एक बड़े बड़े लोगों के, एक तो मुझे उनकी आत्मकथाएं उनके जीवन के बारे में पढ़ने का बड़ा शौक था बचपन से ही। ये 10 11 12 साल के दौर की बात कर रहा हूँ जब बच्चे बहुत खेलने वेलने में मन लगाते हैं, मेरा मन इस तरह की चीज़ों में था। तो एक ऐसी दुनिया में रहने लगा था कि मेरा दिल करता था कि मैं कुछ बड़ा बनूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ऐसी स्थितियाँ थी नहीं, मैं सागर शहर से हूँ मध्य प्रदेश का, पारिवारिक स्थिति भी बहुत ऐसी नहीं थी कि वो हमको सपोर्ट करती जैसा मैं चाहता था। कि मैंने चूँकि मैं ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के जो स्टार्स हैं आपके, जो आपके देश की विभूतियाँ हैं, जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने नाम बनाया, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में ज़रूर ज़रूर पढ़ें आप। आपको मालूम पड़ेगा कि लोग कैसे किस तरह से उन्होंने अपने स्ट्रगल करके ये जगह बनाई, ताकि आप भी कुछ सपने देखें अपनी लाइफ के बारे में, अपने लक्ष्य बनाएं, अपने टारगेट सेट करें। और जब तक आप सेट नहीं करेंगे, जब तक आप सपने देखेंगे नहीं, जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आप जाएंगे कहाँ? जहाँ हवा का रुख चलेगा वहाँ चल पड़ेंगे। इन्जॉय 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 करने में लाइफ का आप बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कीमती समय खराब करेंगे। आप इन्जॉय भी करिए करिए, लेकिन अपने लक्ष्य से नज़र मत हटाइए, तब आप उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और लक्ष्य इसलिए ज़रूरी है, आपको कहीं ना कहीं पहुँचना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो, इसलिए जीवन सार्थक हो। आप क्यों पैदा हुए समझ में तो आए, लोग जाने तो सही आपके बारे में, हजारों लाखों लोग ऐसे ही खत्म हो जाते, मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन थे, कहाँ थे, आपका नाम ही नहीं है, आपके परिवार के लोग आपका नाम भूल जाएंगे एक समय। सो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सब विचार मेरे दिमाग में चलते थे और ये विचार लेके मैं दिल्ली निकल पड़ा था कि मुझे किसी बड़े, चूँकि उनकी मैं आत्मकथाएँ पढ़ता था, तो एक निष्कर्ष ये था कि सभी लोगों ने पढ़ाई अच्छी की है और अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी संस्थाओं में पढ़े हैं, तो मन में ये फिट हो गया कि मुझे किसी बड़े शहर में, किसी बड़े कॉलेज में, बड़ी संस्था में पढ़ना है। और इसके लिए मुझे दिल्ली, भारत की राजधानी ही दिखाई दे रही थी कि अगर मैं वहाँ, चूँकि सब लोग वहीं मिलते हैं, बचपन में ये तौर था कि ये सब लोग वहीं मिलते हैं, बड़े बड़े लोग, तो अगर मैं दिल्ली पहुँच पाया और मैं दिल्ली के किसी स्कूल में मैंने अगर एडमिशन ले लिया, मैं पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, बहुत मेहनती था शुरू से, मतलब हर फील्ड में अव्वल आने की एक दिमाग में फितूर रहता था, तो उसके लिए मेहनत करता था। तो मुझे ये विश्वास था कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्कूल में दाखिला अगर हो गया तो मैं वहाँ अपना नाम बना लूँगा, मेहनत करके अपनी पढ़ाई में अव्वल आऊँगा ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये सब कॉन्फिडेंस लेवल मेरे दिमाग में था, तो दिल्ली मेरे दिमाग में था। और कहते हैं ना कि अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है आप उस निर्णय तक पहुंचने के लिए। तो दिल्ली जाने का संयोग बन गया, दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली के एक स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया, उसमें आठवीं क्लास के बोर्ड में मैं सब टॉप किया अपने 14 स्कूलों के जोन में। इस तरह से मेरे एकदम से वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और इस मतलब सब करते करते के एनएसडी में आ गया, और एनएसडी का मुझे लगा कि ये मेरे मैं शायद गलत जगह आ गया, क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी था उधर। और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, यहाँ अगर मैं कोशिश भी करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं एनएसडी छोड़ देता हूँ 3 महीने के बाद। तो कोशिश ये थी कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था और मुझे ग्रेजुएशन पूरा करना था, तो मुझे एक होमगार्ड की एक नौकरी मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि ये होमगार्ड की नौकरी कर लेता हूँ और ये नौकरी करते हुए मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करूँ। मकसद था ग्रेजुएशन पूरा,
और ग्रेजुएशन पूरा करने के पहले मैं कुछ बड़ा नहीं बन सकता, ये भी दिमाग में क्लियर था। तो आपने जो प्रश्न किया है अब उसका आंसर आ रहा है। सॉरी ज़्यादा लंबा मैंने समय ले लिया आप लोगों से, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ बातें ऐसा कि मैं आपको कह के जाऊँ, दे के जाऊँ, एक थॉट दे के जाऊँ। तो ये मौका मिल गया मुझे। अगर मैं एनएसटी में नहीं रहता तो ऐसा कि कोई नौकरी करके ग्रेजुएशन करता, और ग्रेजुएशन के बाद जो एक बड़ा ऐसा थॉट था कि मैं ऐसा कोई बड़ा जैसे कमांडर या कमिश्नर या ऐसा का कोई बड़ी पोस्ट पर जाऊंगा जहां मैं कुछ ऐसे काम करूंगा कि मतलब जहां मैं मन के काम करूं, ऐसे काम करूं कि लोग मुझे जाने। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो बाद में मेरे सामने आया। मैं सागर का हूं और सागर में होते हैं ना, हर शहर के एक दादे होते हैं, रंगदार होते हैं, हर व्यक्ति उनसे डरता है, उनसे पंगे लेने में डरता है। तो एक कलेक्टर गए वहां सागर, अभी भी वो हैं कलेक्टर शुक्ला, मैं बहुत ही उनका मुरीद हूँ। वो गए और उन्होंने सब स्क्रूटिनी वगैरह करके पाया कि एक बड़ा होटल बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट की जगह पर बना हुआ, और सब लोग उससे डरते हैं, पूरा पुलिस महकमा डरता है, बहुत पावर है उनके अंदर, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं। जो फिल्मों में आप देखते हैं बहुत कुछ होता है, रियलिस्टिक होता है, सब कुछ फिल्मी नहीं होता है। तो उन्होंने पता नहीं कैसे ऐसी योजना बनाई कि उनके ज्वाइन करने के एक हफ्ते के बाद वो पूरा का पूरा होटल ध्वस्त करवा दिया। वो सब डर गए कि ये क्या हो गया, ये कौन आदमी आया, किसने कलेक्टर किया। तो मेरा सोच उस समय यह था कि मैं ऐसी कोई जगह पहुंच जाऊं जहां मैं कुछ इस तरह के काम कर सकूं जो लोक हित में हों, जो समाज के कल्याण के लिए हों, मानव कल्याण के हों, कुछ इस तरह के काम हों जिसकी वजह से मेरी आत्मा भी संतुष्ट रहे, खुश रहे, लोग मुझे जाने वगैरह हो। सो मैं ये होता। वी आर वेरी लकी कि आप हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में आए, आपके सर ने आपको रोका। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एंड इंडस्ट्री ने आपको पाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, एंड सर होल टीम को कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द हिट ट्रेलर, एंड आई होप ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट जाएगी और ऐसे ही हम आपकी अगली मूवीज़ के लिए कॉन्वर्जेशन में बैठेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।